नमस्कार दोस्तों, आज ये इंडक्शन डेड है। मैं पावर कोड लगा के दिखाता हूँ, ना बजर का आवाज़ आएगा या डिस्प्ले कुछ आएगा, पूरा डेड है। देख रहे हो, मैंने पावर लगा दिया हूँ फिर भी ना बजर का आवाज़ आया या डिस्प्ले में कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है देखेंगे। मैंने ऑलरेडी नोट निकाल दिया हूँ, इसको ओपन करता हूँ। अब देखिए, मैंने ओपन कर दिया और पहले तो हम लोग फ्यूज़ को नाप लेते हैं, फ्यूज़ ठीक है कि नहीं। मैं कंटिन्यूटी मोड में रख दिया हूँ मीटर को। देखिए, ये है फ्यूज़, इसमें कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। फ्यूज़ ठीक है, फिर भी बजर का आवाज़ नहीं आ रहा या डिस्प्ले नहीं आ रहा है, कोई फंक्शन नहीं है। अगर फ्यूज उड़ जाता तो मोसफेट शॉर्ट होता या रेक्टिफायर शॉर्ट होता, लेकिन ये फ्यूज़ नहीं गया है, इसका मतलब मोसफेट नहीं उड़ा होगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो मेन आईसी को चलाने के लिए पावर सप्लाई बना हुआ है, ये पावर सप्लाई सेक्शन है, ये पावर सप्लाई प्रॉब्लम है। पावर चालू होने से डिस्प्ले को भी सप्लाई जाता है, डिस्प्ले भी चालू होता है, ये बेजर में भी आवाज़ आता है और ये प्रोसेसर में भी सप्लाई आता है, ये प्रोसेस करता है, फिर जाके मोसफेट से चालू होके इंडक्शन चालू हो जाता है। ठीक है, तो मैं बोर्ड को चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या कहा है। ठीक है, तो इसमें ये दोनों एसी सप्लाई गया है, यहाँ से फ्यूज यहाँ होके हमारा रेक्टिफायर में गया है। ठीक है, तो हमको SMPS के लिए रेक्टिफायर से तो माइनस वोल्ट आ गया, लेकिन यहाँ से डायड और रजिस्टर होके प्लस सप्लाई आता है हमारा SMPS ट्रांसफार्मर में। देख लीजिए, ये डायड और ये डायड, तीन डायड होके आता है एक रजिस्टर थ्रो से SMPS ट्रांसफार्मर में और ट्रांसफार्मर से हमारा IC में जाता है। ठीक है, ये है 4.7 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर भी खुला हुआ है, तो हम लोग पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कैपेसिटर में आ रहा है कि नहीं वोल्टेज। अगर कैपेसिटर में आ रहा है तो आईसी का प्रॉब्लम क्या है या नहीं देखेंगे। ठीक है, पावर कट लगा दिया। अभी पहले मैं एसी सप्लाई चेक करता हूँ। देख रहे हो, एसी का रीडिंग बता रहा है 220 वोल्ट। अभी मैं हमारा SMPS के लिए जो आता है हमारा कैपेसिटर 4.7 450 वोल्ट, उसमें वोल्टेज चेक करते हैं। ये प्लस वोल्टेज, ये माइनस वोल्टेज, माइनस ये प्लस, ये नहीं आ रहा है,
देख रहे हो यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है डाइड से, लेकिन डाइड होके रजिस्टर थ्रो से गया है कैपेसिटर के लिए और SMPS ट्रांसफार्मर के लिए, वहाँ पे नहीं आ रहा है। तो रजिस्टर खराब हो सकता है, पहले रजिस्टर हम लोग चेक करते हैं। ये रजिस्टर को पहले ओपन करके चेक करते हैं। ये रजिस्टर ओपन कर दिया हूँ, इसको चेक करेंगे। ठीक है, रजिस्टर डालने से पहले हम लोग शॉर्ट है कि नहीं उसके लिए पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस है और रजिस्टर यहाँ से तो वोल्टेज सप्लाई आ रहा था, इसका मतलब यहाँ पर ठीक है, रजिस्टर जल गया है, मतलब रजिस्टर के दूसरा पॉइंट से शॉर्ट चेक करेंगे। यहाँ पर शॉर्ट नहीं बता रहा है, वोल्ट आके भी देख लेते हैं, शॉर्ट नहीं बता रहा है, तो रजिस्टर डाल देते हैं और रजिस्टर को पहले चेक कर लेते हैं। कुछ भी नहीं बता रहा है, ये ओम्स का होगा, कुछ भी नहीं बता रहा है, पूरा डैमेज है। इसमें 150 ओम्स का रेजिस्टेंस होगा, देख रहे 157 बता रहा है। ये रजिस्टर को मैं यहाँ पे डालूंगा, Thank you.
ठीक है, मैंने रजिस्टर डाल दिया और कैपेसिटर भी खुल गया है, इसको भी बदल देते हैं ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। देख रहे हो ये यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। अब मैं दूसरा वाला 4.7 450 वोल्ट इसको मैं बदलूंगा। ध्यान रहे माइनस प्लस सही हो, नहीं तो कैपेसिटर फट जाता है। ठीक है, कैपेसिटर भी बदल दिया। अभी मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। SMPS का जो फिल्टर है 4.7 MV, 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 450 वोल्ट, उसमें देखेंगे कि वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। पावर सप्लाई लगा रहा हूँ, पावर कोड लगा दिया, बीप का आवाज़ भी आप लोग को सुने होंगे। देख रहे हो यहाँ पे देख रहे हो करीब 300 वोल्ट आ गया। अभी हमारा SMPS चालू हो गया है और हम लोग पैनल लगा के देखते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। ये पंखा का तार है, ये हमारा हीट सेंसर, ठीक है। अब मैं इसको डाल दिया, अब टेम्परेरी के लिए चेक करेंगे, नट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो फिटिंग हो गया है। अब मैं पावर कोड डाल के देखता हूँ डिस्प्ले में कुछ आ रहा है कि नहीं और बीप साउंड आ रहा है कि नहीं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए चालू हो गया, चालू हो गया, पावर सप्लाई चालू हो गया, इसका मतलब इंडक्शन चालू हो गया होगा। इंडक्शन चालू हो गया,
देख रहे हो भाप निकल रहा है, गर्म भी हो गया। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।